स्वागत है दोस्तों आप सभी का दी एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 105 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में जॉन मन में कहता है, अभी मुझे उसके ब्रेन से वॉर्म को बाहर निकालना पड़ेगा, नैनो मेरी मदद करो उसके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में। और नैनो जॉन की मदद करता है जिससे कि जॉन वॉर्म पर कंट्रोल पा लेता है और लीबाई के डायने आंख से वॉर्म को बाहर निकालता है जो कि ऊपर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। और यह वही धमाका है जो कि उन लोगों ने देखा था। लीबाइक सोच रहा था कि क्या ऐसे टेबू को ब्रेक करना पॉसिबल भी है, आखिर यह बास्टर्ड है कौन। अब नैनो इन्फॉर्म करता है कि ब्रेन डैमेज अभी बहुत कम हो गई है, पर लीबाइक फिर भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। जॉन कहता है कि मुझे जल्दी करनी होगी, इससे बहुत दर्द होगा, तो मैं जितनी ज्यादा जल्दी हो सके काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी कुछ देर बाद वहां पर डानवा और बाकी सब पहुंचते हैं और देखते हैं कि जॉन फिर से लीबाई को हिप्नोटाइज करके उसे बातें जानने की कोशिश कर रहा था। डानवा कहता है कि क्या अब ठीक है, तो जॉन कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि आखिर उन बास्टर्स का हेडक्वार्टर कहां पर है। क्या आप सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल के हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, आखिर वो कहां पर है। तो जॉन कहता है कि वो ह्वांगसेंग, हेंगजो और जेजेंग प्रोविंस में है। इसके बाद सीन फोकस करता है योन पर। एल्डर योन कहती है कि क्या वो ठीक है, मैं ब्लीडिंग को रोककर जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर उसे लेकर आई हूँ। ग्रैंडमा गेम कहती है कि क्या वो तुम्हें ठीक लग रहा है, इस स्टेट में एक घंटे ही उसके लिमिट है। तभी जॉन आकर पूछता है कि वो कैसा है, तो ग्रैंडमा गेम कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा देर तक इस सब को सह पाएगा। तो जॉन कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है जब तक मेरे पास एनफ टाइम है सभी इन्फॉर्मेशन को निकालने का। तभी ग्रैंडमा गेम जॉन के सामने नेल डाउन कर कहती है, सर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं उस मेडिसिन को मास्टर ह्यून के ऊपर यूज करने का तो प्लीज कीजिए, क्योंकि मुझे भी उनसे सवाल पूछने हैं। जॉन कहता है, क्या सवाल। तो ग्रैंडमा गेम कहती है कि मैं यहाँ पर ग्रैंड आर्ट पर स्टडी कर रही थी जिससे कि बॉडी को लिमिट पर लाया जाता है, और मैं ये काम कर रही थी ऑर्थोडॉक्स सेट्स का एक ग्रुप हेवनली एसोसिएशन के कहने पर। उन्होंने कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो एक सही दुनिया बना सके, पर मैं मुरीम के इस पंगे में पड़ना नहीं चाहती थी, पर मेरे पोती को अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट ने एक साल पहले ही अगवा कर लिया है, इसलिए मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था हेवनली एसोसिएशन के ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के अलावा ताकि मैं उनसे बदला ले सकूं। उन्होंने कहा था कि बस वॉर को जीतने के बाद वो मुझे मेरी पोती वापस ला कर दे देंगे। दूसरे शब्दों में उनके पास अभी एनफ पावर नहीं है, पर मैंने जितना ज्यादा वेट किया यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा अजीब होती चली गई। बात तो ऐसी हो गई कि हेवनली एसोसिएशन जिसके पास 9 ग्रेट सेक्ट से पावर है और इन्फ्लुएंस है, वो ये भी पता नहीं कर पाए कि मेरी पोती जिंदा भी है या नहीं, पर ये मास्टर ह्यून इसे जरूर कुछ ना कुछ तो पता है। अगर आप मेरी मदद करते हैं ये ना सोच कर कि आप अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट या फिर डिमोनिक कल से हैं, तो आप जो भी कहेंगे मैं वो काम बिल्कुल करूंगी। जॉन सोचता है कि यह बिल्कुल परफेक्ट है, अगर मैंने उनकी यहाँ पर मदद कर दी तो मेरा उनके ऊपर एक एहसान रहेगा, तो मुझे उनके सामने बाद में सर झुकाना नहीं पड़ेगा। जॉन फिर कहता है कि मैं समझ गया, तो मैं आपको मौका देता हूँ पहले उनसे सवाल पूछने का, और इसके लिए ग्रैंडमा गेम थैंक्स भी कहती हैं। जॉन फिर कहता है कि पर उससे पहले ड्रग को काम करने के लिए मुझे पहले उसके डैंटियन को डिस्ट्रॉय करना होगा, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ग्रैंडमा गेम सोच रही होती है कि वो तो बस 20 साल के आसपास ही है, पर उसकी सोच और काम करने का तरीका मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद जॉन ह्यून को हिप्नोटाइज करके ग्रैंडमा गेम के हवाले कर देता है। ग्रैंडमा गेम पूछती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता मेरी पोती मियांग कहां पर है। ह्यून कहते हैं कि ग्रैंडमा गेम की पोती मियांग 18 में से एक गुंडों के ठिकाने पर है जो कि थे ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड। ग्रैंडमा गेम गुस्से में कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कई बार पहले सवाल पूछा था और तुमने बार बार कहा कि तुम पता लगाने की कोशिश कर रहे हो और अभी तक तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला है, आखिर तुमने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। ह्यून कहते हैं कि लॉर्ड ने मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था और कहा था कि जब तक ग्रैंडार्ड तैयार नहीं हो जाता मैं आपको इसके बारे में कुछ भी ना बताऊं, और जबकि हम लोग ड्रैगन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ कांटेक्ट में थे, अब जब ही ग्रैंडार्ड को पूरा कर लेती हम आपकी पोते मियांग आपको लाकर दे देते। ह्योबोंग गुस्से में कहता है, तो ये प्रेस्टिजियस ऑर्थोडॉक्स सेट के बास्टर्ड्स भी अनऑर्थोडॉक्स सेट के बास्टर्ड से बिल्कुल भी अलग नहीं। पर सांगवा उसके पेट में मुक्का मारते हुए कहती है कि चुप रहो, ग्रैंडमा गेम को जो शौक मिली है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है,
ग्रैंडमा गेम गुस्से में ह्यून पर हमला करते हुए कहती है कि बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते का इस्तेमाल करने की, और फिर तुम खुद को एक टाविस्ट कहते हो। पर क्योंकि ग्रैंडमा गेम कला दबा रही होती है, ह्यून कहता है कि ग्रैंडमा गेम प्लीज रुक जाइए, पर नहीं लगता है कि वो खुद को भी रोक पाएंगी। और फिर जोन पावर का इस्तेमाल करके ग्रैंडमा गेम को दूर करता है, पर ग्रैंडमा गेम अभी भी शांत नहीं हुई थी और कह रही थी कि मुझे जाने दो, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोती को यूज करने की। ज्योन कहता है, सांगवा प्लीज ग्रैंडमा गेम को दूसरे कमरे में लेकर जाओ। ज्योन फिर ह्यून को कहता है, अब आपकी बारी, आखिर हेवनली एसोसिएशन का गोल क्या है। पर क्योंकि अभी ह्यून की हालत खराब होती जा रही थी, वो बहुत ही मुश्किल से कहते हैं, हेवनली एसोसिएशन बस एक वर्ल्ड है। पर आगे वो और कुछ भी कह नहीं पा रहे थे, तो नैनो ज्योन को इन्फॉर्म करता है कि ह्यून के ज्यादा खून बहने की वजह से उनके हार्ट के एरिया में ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और अभी उनके डेथ का चांस 98% हो गया है। ज्योन तभी नैनो को कहता है, नैनो जल्दी से उनके दिमाग और दिल पर इलेक्ट्रिक शॉक दो और उन्हें होश में लाओ। पर शॉक देने के बाद भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता और ह्यून की डेथ हो जाती है। ज्योन मन में कह रहा था कि मुझे हेवनली एसोसिएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं ही पहले सवाल पूछता, मेरे जजमेंट में एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई है। पर अभी कुछ भी किया नहीं जा सकता है, अभी मैं बस होप कर सकता हूँ कि हेवनली एसोसिएशन के बारे में ग्रैंडमा गेम को कुछ पता हो। और एक डॉक्टर ने एक टाविस्ट की हालत खराब कर दी, कितना अजीब है ना, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, प्रेस्टिजियस सेक्ट का एक मेंबर या फिर एक टाविस्ट या फिर एक फिजिशियन, आखिर में क्या सभी लोग सेम ही होते हैं। मुझे लगा था कि वो हमारे कल्ट के लोगों से फंडामेंटली अलग होंगे, पर लगता नहीं कि ऐसी कोई भी बात है। एल्डेरियन तभी आकर वही जली हुई बुक ज्योन को देती है और कहती है कि मैं आपको इसके बारे में पहले बता नहीं पाई क्योंकि तब यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा था, पर पकड़े जाने से पहले ह्यून इसको जला रहा था अपने समाधि ट्रू फायर से। डानफा कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यह वही चीज हो जिसे डिवाइन डॉक्टर ढूंढ रही थी, और ये मटेरियल भी बहुत यूनिक है, क्यों है ना। ज्योन सोचने लगता है कि यह ट्रेडिशनल पेपर से बहुत ही स्मूथ और थिक है, आखिर ये चीज है क्या। नैनो, क्या तुम बता सकते हो कि यह क्या है। तो नैनो एनालाइज करता है और कहता है कि यह प्रोग्राम लॉक है, इसलिए पेपर के मटेरियल और इसके एज को एनालाइज किया नहीं जा सकता है। और ये सुनकर ज्योन पूरा ही शॉक हो गया था क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आखिर यह सब कुछ क्या है। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।